विश्वविद्यालय द्वारा अंशदाताओं के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि तमाम दावों का निपटारा 3 दिन के भीतर कर दिया जाता है। 14% स्थापनाओं में वृद्धि पिछले 1 वर्ष में रिकॉर्ड की गई है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने अपने कार्यालय की पिछले 1 वर्ष की उपलब्धियां मीडिया के सामने रखते हुए बताया कि नवीन स्थापनाओं में 14% की और अंशदाताओं की संख्या में 8% वृद्धि हुई है। 90% दावों का निपटान 3 दिन में किया गया। पिछले वर्ष कुल निर्धारित देय 4,762 लाख रुपए है, जो कि वर्ष 2021-22 के मुकाबले 253% अधिक है। कुल 1245 स्थापनाओं से देरी से अंशदान जमा करने पर क्षतिपूर्ति वसूल की गई। कुल वसूली 4,043 लाख रुपए है, जो वर्ष 2021-2022 की तुलना में 151% ज्यादा है। हमने पिछले 1 वर्ष में कई सारे कदम उठाए, जिससे हमारे नियोक्ता, भविष्य निधि सदस्य और पेंशनर्स, उनके हित में कई कदम उठाए, ताकि उनको हम बेहतर से बेहतर सेवा दे सकें। इसके अलावा हमने कुछ कदम ऐसे भी उठाए जहां पे डिफॉल्टर्स ने पैसा जमा नहीं किया, समय से पैसा जमा नहीं किया, तो उन डिफॉल्टर से हमने असेसमेंट के माध्यम से और डैमेजेस लगाकर पेनल्टी वसूल की। तो ये पूरे साल में हमने काफ़ी अच्छा काम किया। इसमें हमने पिछले साल जो टोटल अमाउंट असेस किया है, वो अगर 2021-22 से कंपेयर करें तो 2.5 गुना से भी ज़्यादा है। 250% से भी अधिक असेसमेंट हमने इस साल किया। इसमें टोटल असेसमेंट जो डैमेजेस का हमने किया, वो 1254 केसेस में किया, जो मध्य प्रदेश जोन में सबसे अधिक है, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा। इसके अलावा हमारे द्वारा जो सदस्यों को सेवा प्रदान की जाती है, 3 दिन में जो दावे किए जाते हैं, उनकी भी संख्या हमारी बढ़कर 84% हो गई। यानी 84% दावे हमारे केवल 3 दिन के भीतर किए जाते हैं, और लगभग 99% दावे 7 दिनों के ही भीतर कर दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट इस ऑफिस की है। इसके अलावा जो मृत्यु दावे हैं, उनमें हम 90% विद इन 3 डेज कर रहे हैं, और हमारा इस साल का टारगेट है कि 100% दावे जो हैं विद इन 3 डेज किए जाएं। इसके लिए यहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो बाकी अधिकारी हैं, वो बधाई का पात्र हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। गौरतलब है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि जबलपुर के अंतर्गत आसपास के 16 जिले आते हैं, जिनमें कुल 20,215 स्थापनाएं संचालित हैं। 8,80,000 से ज्यादा सदस्यों और 64,853 पेंशनरों को ये कार्यालय सेवाएं प्रदान करता है। दीनदयाल चौक पर सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर दुकान लगाने वालों के लिए मंगलवार का दिन कष्टदायी रहा। नगर निगम की अन्य क्रांति टीम ने अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाए। अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। दीनदयाल चौक पर यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने अभियान चलाया। इस दौरान 50 से ज्यादा बेजा कब्जे हटाए गए और 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरों को जब्त किया गया। सड़क एवं फुटपाथ को कब्जा मुक्त कराने की इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 27% आरक्षण के प्रकरणों की सुनवाई हाईकोर्ट की नई डिवीजन बेंच द्वारा शुरू की गई, और खास बात यह है कि ओबीसी आरक्षण को 66 प्रकरणों की हाईकोर्ट में मंगलवार से पुनः नियमित सुनवाई की जाएगी और सर्वप्रथम याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना जाएगा, इसके बाद शासन का पक्ष रखा जाएगा। ओबीसी आरक्षण के समस्त प्रकरणों की सुनवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आरंभ कर दी गई है। हाईकोर्ट का कहना है कि इस मामले में किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित करने को दरकिनार करते हुए प्रकरणों में फाइनल बहस सुनकर के अंतिम रूप से निराकरण किया जाएगा। इन प्रकरणों की सुनवाई नवगठित डिवीजन बेंच जस्टिस शील नागू और जस्टिस डी बंसल की खंडपीठ द्वारा नियमित की जाएगी। तो शासन की ओर से आज इसमें समय की मांग की गई, इस आधार पे कि भाई इसमें असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल शासन की ओर से पक्ष रखेंगे, और इसको 2 हफ्ते के लिए आप बढ़ा दें ताकि हम लोग तैयारी कर सकें। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें समय अब हम नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में निर्देश दिया है कि इस प्रकरणों को वरीयता के आधार पर डिसाइड किया जाए। और दूसरा कोर्ट ने एक बात और कही कि सारा अपॉइंटमेंट मध्य प्रदेश का
विधिवत नहीं हो पा रहा है इन प्रकरणों के कारण, और कई युवा छात्र कोर्टों को पत्र भी लिखते हैं, लगभग पर डे 10-50 पत्र आते हैं बच्चों के, तो हम इन प्रकरणों को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ाएंगे और मैं डे टू डे इसमें बहस सुनूंगा। तो लंबी बहस के बाद फिर आज कोर्ट ने ये हैंड किया कि जो शासन द्वारा आवेदन दाखिल किया है उसको रिजेक्ट करने के लिए कोर्ट ने कहा कि उसको हम रिजेक्ट करके, और पिटिशनर काउंसिल के जो वकील हैं उनको मौका दिया कि पिटिशनर साइड से हम इसको बहस सुनेंगे और इसके बाद हम शासन की बहस सुनेंगे और एक प्रकरणों की सुनवाई डे टू डे करेंगे। आज हुई सुनवाई, कल भी के सुनवाई पर लगे हुए हैं और कोर्ट का ऐसा मानना है कि समर वैकेशन में हम इसको फाइनली डिसाइड कर देंगे। स्वामी रामानंदाचार्य के प्राकट्य के 423 वर्ष पूर्ण होने पर मानस भवन में आयोजित समरसता व्याख्यान कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का मूल एक ही है और वर्तमान समय में सामाजिक समरसता कार्यक्रमों को चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि जात पात का भेदभाव मिट सके। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज को संगठित करने का काम कर रहा है और वर्तमान समय में समरसता का कार्यक्रम चलाने की जरूरत अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत में सभी धर्मों का मूल एक है, ईश्वर का अस्तित्व सब में है, इसलिए हम सब एक हैं एवं सबको एक करना पुण्य का काम है। हम लोगों की ही गलती के कारण समाज में भेदभाव हुआ है और भारतवर्ष को नीचा दिखाना चाहने वाले, कभी उठने न देना चाहने वाले ऐसे लोग दुनिया में भी हैं। वो भड़काने का प्रयास करेंगे, उसके लिए कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करेंगे। हमको ठंडा रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने आदमी के गलती को भी सहन करना, अपने घर के, ये पूरा घर है हमारा हिंदू समाज, उस घर के ही है। कुछ कुछ छूट के बाहर चले गए, उनको घर में वापस आएंगे। जो घर में है उनमें भी गुस्सा है, कुंठा है, एक एक त्रासदी है, जिसके चलते पहले उनकी भड़ास निकल जाएगी, वो गालियां देंगे, वो ठीक है, हम अपना आदमी है ना, हम ठंडा रहेंगे। स्वामी रामानंदाचार्य के प्राकट्य उत्सव के मौके पर आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संत एक जाति धर्म के नहीं होते, सभी जाति धर्म के लोग संतों की जयंती मनाते हैं और सभी को साथ में मिलकर जयंती मनाना चाहिए। सरसंघ चालक ने कहा कि हम सभी के मित्र समाज के सभी जाति धर्म भाषा प्रांत के लोग होने चाहिए, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, तभी सामाजिक समरसता संभव है। हम प्रारंभ करें अपनी आदतों से, सारे समाज की आदत बदलने का काम जैसा ठीक हो जाएगा, वैसे जैसे एक दीप के आने से अंधेरा हट जाता है, बिना उसको लाठी से पीटे वो नहीं जाता, दीप जलाने से जाता है, वैसे हम अपने आचरण का दीप जलाएंगे तो ये विषमता का, छुआछूत का, ऊंच नीचता का, भेदों का अंधकार अपने आप दूर होता चला जाएगा। लेकिन दीप जैसा हमको जलते रहना पड़ेगा, जैसे संतों ने किया, इससे भी घोर निबिड़ अंधकार में उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने साहस किया, उन्होंने सत्य बताया, वो सत्य पर चले, उन्होंने अपना क्या होता इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि हमारा सत्य में वो जयती का देश है। वैसे हमको भी पहले लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन करते चले जाएंगे तो ठीक होगा। बरगी विधानसभा के अंतर्गत कुछ नर्मदा घाटों में रेत का अवैध उत्खनन किए जाने की शिकायत मध्य भारत मोर्चा ने कलेक्टर से की है। उनका आरोप है कि पोकलेन मशीन से रेत माफियाओं द्वारा खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत खनिज अधिकारी से की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य भारत मोर्चा के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपते हुए बताया कि पूर्व में भी खनिज अधिकारी को बरगी विधानसभा के तहत नर्मदा घाटों से रेत का उत्खनन किए जाने की शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा उनको कलेक्टर के नाम पत्र सौंपना पड़ा। उन्होंने बताया कि पोकलेन मशीनों के द्वारा नर्मदा से रेत निकाली जा रही है। अवैध उत्खनन को लेकर हमने माननीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था और काली पट्टी सौंपी थी, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर हम कलेक्टर साहब के पास आए थे
जहाँ हमने अपनी शिकायत रखी कि जो अवैध उत्खनन नर्मदा जी में चल रहा है, जो पोकलैंड मशीनें लगाकर बड़ी बड़ी जो रेत निकाली जा रही है उस पर रोक लगे, उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि कुछ ऐसे घाट हैं जो सेंक्शन भी नहीं है, उनमें नियम विरुद्ध मशीन उतार कर जो अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है, इसके विरोध में आज हम मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारी आए और हमने मांग करी कि इस पर रोक लगे। संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि खनिज विभाग और रेत माफियाओं की सांठगांठ से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जैनेस में यूनिटी क्लब के सदस्यों ने ओ बुमनिया थीम पर भारत की प्रसिद्ध महिला हस्तियों की वेशभूषा में तैयार होकर उनको याद किया। इस दौरान सभी ने गीत संगीत नृत्य का लुत्फ उठाया। अवसर था जैनिज्म लेडीज क्लब के नए सत्र के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का। इस मौके पर संगठन की आगामी गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। आयोजकों ने बताया कि संगठन द्वारा समाज सेवा से जुड़े कार्य भी किए जाते हैं। महिलाओं का जो कैरेक्टर है अपने इंडिया हिंदुस्तान में, जो महिलाएं एक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिक्स में हैं, कुछ प्ले में हैं, सब इनको लेके एक एक लोगों ने हमारे क्लब में से निकल निकल के एक एक कैरेक्टर किया लोन, और बहुत बेखूफ़ी से उन्हें निभाया है। और हम लोग का सिर्फ यही उद्देश्य था कि महिलाओं को कैसे आगे उनके बारे में पता चले, तो आगे जो भी महिलाएँ हैं इस चीज़ की प्रेरणा लेके वो भी आगे। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही रोजाना मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इस महामारी से लंबे समय बाद किसी मरीज की मौत होने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन निवासी एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत होने के बाद मोक्ष संस्था द्वारा गढ़ा के चौहानी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कराया गया। जबलपुर में कोरोना से मौत होने का मामला सामने आया है। लंबे समय बाद इस महामारी से किसी मरीज की मौत हुई है और उनके परिजनों की मौजूदगी में मोक्ष संस्था के द्वारा चौहानी शमशान घाट में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि मृतक सिविल लाइन के रहने वाले थे और वो इस बीमारी से पीड़ित थे। एक निजी चिकित्सालय में हृदय रोग के कारण भर्ती हुए थे और डॉक्टरों को ऐसा लगा कि उनके फेफड़ों में भी कुछ इन्फेक्शन लग रहा है, जो कि कई बार हृदय रोग में हो भी जाता है। तब उनका प्राइवेट अस्पताल में ही कोविड टेस्ट हुआ था जो पॉजिटिव आया था। उसके बाद उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज। फिर मेडिकल कॉलेज में उनको परिस्थितियां उपयुक्त ना लगी हों इस कारण वापस वो प्राइवेट अस्पताल आ गए थे और आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। चूँकि मुख्य बीमारी उनके हृदय रोग था, लेकिन कोविड टेस्ट जो कि पॉजिटिव आया था, और कोविड के पेशेंट्स की संख्या पिछले कुछ दिनों से बढ़ भी रही है, और इसलिए सभी से यही निवेदन किया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे संक्रमण को इसी स्थिति में रोका जा सके। CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को जिले में 8 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है और उन्हें मिलाकर 44 एक्टिव केस हो गए हैं, जबकि 4 लोगों को कोरोना से स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके अलावा कोरोना से हुई एक मौत के बाद कुल मौतों का आंकड़ा अब तक 818 हो गया है। मौसम के गर्म मिजाज लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। पारा भी उछलकर 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आलम यह है कि आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों के शरीर को झुलसा रहे हैं। मौसमविदों का कहना है कि 19 से 22 अप्रैल तक मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही संभाग के कई स्थानों में बारिश भी हो सकती है। गर्मी के तेवर तीखे होने के साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं और दिन के वक्त उनको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं गर्म हवाओं के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे हैं, लिहाजा सभी गर्मी से बचाव के इंतजामों के साथ घरों से निकल रहे हैं। हालांकि अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा था, तो वहीं न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 19 से 22 अप्रैल के बीच मौसम में बदलाव होने की संभावना है और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश भी हो सकती है। गत वर्ष आज के दिन की तापमान को देखें तो गत वर्ष आज के दिन 42.2 रिकॉर्ड किया गया था अधिकतम, अर्थात गत वर्ष आज के दिन ज्यादा गर्म था। आगामी दिनों के लिए जो पूर्वानुमान प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके कारण आज से लेकर 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक मौसम में परिवर्तन की संभावना है। आगामी 24 घंटे में संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। बारिश और बादल के कारण आगामी 2 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई वृद्धि की संभावना नहीं है, उसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट की भी संभावना है। जबलपुर संभाग के कई स्थानों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।